अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं JBMS YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सीमेंट के हवाले से अच्छी न्यूज़ देने जा रहे हैं कि सीमेंट का जो रेट है इसके रेट में कमी होने जा रही है और कितनी कमी हो सकती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कमी की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान में आपको बताया कि जो सीमेंट के रेट हैं ये ऑयल प्राइसेस के साथ बड़ा इनका लिंक होता है। स्पेशली जब ऑयल की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो उस वक्त तो इनके रेट उसी वक्त बढ़ जाते हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर इनके रेट्स कम होते हैं। तो चले बताते हैं जी कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी देखने में आई है। और जो नेक्स्ट जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम के हवाले से अपडेट आने वाली है उसमें भी बताया जा रहा है कि अच्छी खासी कमी होगी। कितनी कमी हो सकती है और सीमेंट का रेट जो है वो कितना कम होने जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे होते हैं, अक्सर ये ड्रमियाँ वगैरह पीछे पड़ी हुई होती हैं तो दोस्त पूछ रहे होते हैं इनमें क्या है। भाई ये केमिकल वाली होती है, इनमें ग्लू वगैरह जो होता है वो आता है। जो भी दोस्त इनके वाले से पूछ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस में, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन डील का ताज़ी रेट मालूम करना चाहते हैं तो सिंपली गूगल पर जाएं, jbms.pk लिखे, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ताज़ी रेट्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में आपको पता है कि पेट्रोलियम के रेट्स 331 रुपये पेट्रोल और 320 रुपये डीजल का रेट है। डीजल का रेट कम हुआ था पिछले दिनों में 11 रुपये, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा सीमेंट के रेट पर, क्योंकि सीमेंट के जो रेट है पिछली अपडेट में जब 20 रुपये डीजल बढ़ा था तो सीमेंट का रेट नहीं इंक्रीज हुआ था। अभी जो नेक्स्ट अपडेट आने जा रही है वो अच्छी अपडेट है, सुनने में आ रहा है कोई 25-30 रुपये पेट्रोल का रेट कम होना बनता है जितना इंटरनेशनल मार्केट में तेल कम हुआ है। तो अगर ओगरा इतने की समरी भेज देती है 25-30 रुपये की, तो भाई आपको पता है कि अगर 25-30 रुपये सस्ता होता है आपका पेट्रोल या डीजल तो 25-30 रुपये आपका जो सीमेंट का बैग है इसको भी सस्ता होने के चांसेस होंगे। अब बहुत बड़ा फैक्टर जो होगा वो ये होगा कि हुकूमत कितनी प्राइसेस कम करती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो अच्छी खासी कमी देखने में आई है और आने वाले दिनों में मजीद जो है वो कह रहे हैं कि कमी होने जा रही है। तो दोस्तों ओवरऑल ये अच्छी न्यूज़ होगी अगर पेट्रोल और डीजल के रेट दोबारा 200-250 रुपये तक आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल अपनी पुरानी सतह पर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से रेट्स बढ़ाते गए और बहुत ज़्यादा बढ़ाते गए। अब जब नीचे आ रहे हैं तो उस तरह से कम नहीं कर रहे। पिछली अपडेट में भी आपने देखा कि सिर्फ 8 रुपये पेट्रोल कम किया गया और सिर्फ 11 रुपये डीजल का रेट कम किया गया, हालांकि 15-20 रुपये मिनिमम कम होना बनता था। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस बार जो अपडेट आएगी उसमें आपका जो है 25-30 रुपये पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे और 20-25 रुपये जो सीमेंट का बैग है इसका भी सस्ता होने का चांस बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के हवाले से अच्छी न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कन्फर्म अपडेट क्या आती है, तो वो सबसे पहले आपके साथ इस चैनल पर शेयर हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की नोटिफिकेशन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।